गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से वो मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 24 स्लॉट का कूलर 1440 RPM में इसकी कैसे हम रिवाइंड करते हैं। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक कूलर है जो कि चल नहीं रहा है, कूलर की मोटर है, किट है। तो सबसे पहले हम इसके 4 तार हैं उनसे कैपेसिटर को अलग कर लेते हैं, और 4 तार जो कि 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं, उसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। पहले इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें 4 तार निकले हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। 2 ब्लैक जो तार हैं वो स्टार्टिंग के हैं, और 2 रेड तार हैं वो रनिंग के हैं। तो अब हम अपने मल्टीमीटर से इसको पहले टेस्ट करेंगे कि कारण क्या है कि चल क्यों नहीं रहा है। तो हमारे पास ये एनालॉग सुई वाला मीटर है, ये मल्टीमीटर है, ठीक है। तो इसको हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया है, ओम की रेंज पे सेट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम रेड तारों में लगाएंगे, ये रेड वाले रनिंग के हैं। तो देखिए, रनिंग के में बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारी रनिंग ख़त्म हो चुकी है। रनिंग के अंदर कोई फॉल्ट है या कहीं जोड़ से तार जल गया है, या हो सकता है वाइंडिंग भी पूरी ख़राब हो गई हो। अब स्टार्टिंग को हम चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग के तारों में हम मल्टीमीटर के दोनों पिने लगाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग पे उठ रहा है, इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग कॉइल सही है, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे क्योंकि हमारा रनिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। तो हम प्लायर्स की मदद से इसकी पत्ती को सबसे पहले हम हटाएंगे, अलग करेंगे। और इसके नट को निकालेंगे और पत्ती को हटाएंगे। दोस्तों, पहले भी हमने काफ़ी सारी फ्राटा फैन कूलर मोटर की वाइंडिंग की और डायग्राम्स की वीडियोस हमने अपलोड की हैं, लेकिन अब हम जो दोबारा से री अपलोड कर रहे हैं वो हम कम्प्लीटली अपलोड करेंगे। कम्प्लीटली चाहे पार्ट 6 बनो या 4 पार्ट बनो या 6 पार्ट बनो, कितने भी पार्ट क्यों ना बनो, ज़्यादा पार्ट क्यों ना बनो, पर हम कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे कि कैसे खोलते हैं, खोलने से लेके रिवाइंडिंग के बाद फिर कसने तक चला के आपको दिखाएंगे, कम्प्लीटली दिखाएंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे वीडियो में, चाहे कितने भी पार्ट बने। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सीखने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने इसकी पत्ती को अलग कर लिया है, ठीक है। तो एक कूलर की मोटर है, हमने ऊपर लटकाने का इसका जुगाड़ बना रखा था, लेकिन अब इसको टेस्ट किया तो ये बिल्कुल ख़राब है। अब देखिए, इसकी पंखड़ी को हम हटा लेते हैं। तो पंखड़ी के नट को आप पेचकस या प्लास की मदद से खोल सकते हैं। ये प्लास्टिक पंखड़ी है, कभी टूट भी जाए तो दोबारा जुड़ जाती है फेविक्विक से, और ये हवा भी अच्छी दे देती है, इसलिए हम प्लास्टिक का पंखड़ी इसमें यूज करते हैं, और ये आवाज़ भी कम करती है। ये देखिए, पहले हमने इसमें फेविक्विक डाल दी थी, इसलिए निकल नहीं रही है क्योंकि हमने इसमें फेविक्विक डाल दी थी। पहले थोड़ा सा ही लूज था, इस कारण हमने इसमें फेविक्विक डाला था। तो अब इसको या तोड़ के ही निकालना पड़ेगा, कोशिश करते हैं बिना तोड़े निकालने की। जो कूलर की मोटर की जो सापट है वो इसके अंदर चिपकी हुई है फेविक्विक द्वारा, इसलिए निकल नहीं पा रही है।
तो इसका निकालने का प्रयास हमारा विफल है, तो हम इसको तोड़ के निकाल लेंगे, कोई आफत नहीं है, पंखड़ी चेंज हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि फेविक्विक का यूज कई जगह करना पड़ जाता है, दोस्तों हमारा अगला पार्ट आ रहा है। अगला पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें स्लॉट पेपर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कॉइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो डेटा वगैरह हम बता देंगे। उसके बाद वाइंडिंग वाला पार्ट आएगा, तो सभी पार्ट आप देख लीजिए। दूसरे पार्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से सबसे ऊपर जाके आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पंखड़ी हमने यहाँ पे टूट चुकी है, तो तोड़ के हमने इसको निकाला था, हमने इसको निकाल लिया है। अब मोटर को हम खोल लेते हैं, दोस्तों बहुत सारी कमेंट मुझे आ रही हैं कि सर लाइव वीडियो बनाओ, लेकिन मैं लाइव नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लाइव बनाते वक्त काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कई बार कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके लिए मुझे वीडियो पुश करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी पंखड़ी चिपकी हुई थी और मैंने निकालने के लिए कितना टाइम लगा दिया इसको, फिर भी टूट गई। तो लाइव में इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, मेरा भी आपका भी, इसलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बनाता। देखिए सभी स्टड हमने खोल लिए हैं, सभी नट खोल लिए हैं, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसकी वाइंडिंग तो ओके दिख रही है, बट इसका रनिंग ख़राब है, कहीं ना कहीं से शॉर्ट हुआ है पक्का। देखने में ठीक लग रही है, लेकिन इसके कागज़ वगैरह भी हिट हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो अगर इसके साथ छेड़ाछाड़ी हम करेंगे, कॉइल को भी हम नहीं निकाल सकते। देखिए कनेक्शन भी इसके ख़राब से ही लग रहे हैं, देखते हैं कनेक्शन को खोल के अगर काम बन जाता है तो इसी को हम फिट कर देंगे। अगर काम नहीं बनता है तो इसकी रिवाइंडिंग करनी हमको पड़ती है। देखिए आप अगर इस तरह से तार कंटिन्यूटी नहीं आए तार पे, तो आप सबसे पहले मोटर के जो मोटर को खोल के उसके जोड़ हैं जो उनको खोल लीजिए, और फिर मल्टीमीटर से टेस्ट करना है आपको, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आपको मिल जाता है कहीं से तार कटा हुआ जला हुआ, अगर आप उसे जोड़ सकते हो तो वही मोटर चल जाएगा, वही काम कर जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है या जला शॉर्ट मिलता है, तो आपको दोबारा से रिवाइंड करना ही होता है। तो हम पहले इसको खोल के देख लेते हैं, क्या पता काम बन ही जाए। तो हम जिस साइड कनेक्शन थे हैं उस साइड का धागा हटा लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि सब भाई इन वीडियो का फ़ायदा उठाए और सब मोटर रिवाइंडिंग सीख सकें। मुझे काफ़ी सारी कमेंट आती हैं जिनमें लिखा होता है बहुत बढ़िया, नाइस, ग्रेट, नाइस वीडियोस, और बहुत सारी कमेंट ऐसी आती है जिनको पढ़ के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसमें कई कमेंटों में लिखा होता है कि थैंक यू सर, मैं आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत बढ़िया बताते हो आप, बहुत ही बढ़िया बोल बोल के समझाते हो, हमने काफ़ी वीडियो देखी हैं जिनके अंदर किसी में आवाज़ ही नहीं है, तो किसी में क्लियरिटी नहीं है, किसी में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से
समझा देते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है आपकी वीडियो को देखने। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। तो सब आप लोगों की ही दुआ है कि हमारा चैनल आज इतना बड़ा बन चुका है। हमारे लगभग 79 किलो सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जिन भाइयों ने कर रखा है वो नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया कर, ताकि वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल जाए। दोस्तों देखिए, हमने इनके जोड़ों को आराम से खोल लिया है, हटा दिया है, और 4 तार हमारे बाहर निकले हैं। 2 रनिंग के हैं 2 स्टार्टिंग के हैं। तो दोस्तों, हमारा रनिंग था जो कि काम नहीं कर रहा था। अब हम मल्टीमीटर से पहले इन तारों को छील लेते हैं। छीलने के पश्चात माचिस की तिल्ली से हम इसको छीलते हैं, और छीलने के पश्चात हम इसको फिर से मल्टीमीटर द्वारा, एनालॉग मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करेंगे। आप डिजिटल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये सुई वाला है तो ये ज़्यादा बेटर कार्य करता है। रेजिस्टेंस के मामले में, ओम के मामले में बढ़िया काम करता है, और रेजिस्टेंस बढ़िया मापता है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे। पहले तारों को हमने छील लिया है। एल्यूमिनियम के इसकी वाइंडिंग है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के तारों में ये चढ़ रही है सुइयाँ, अब रनिंग की बारी आती है तो ये नहीं चढ़ रही है। ये जितनी भी चढ़ी थी ये हाथ से चढ़ी थी, हाथ के कारण चढ़ी थी। देखिए, अब दोबारा से चेक करिए, ये स्टार्टिंग पे सही चढ़ रही है और रनिंग पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी रनिंग कॉयलों में खराबी हैं, दिक्कत हैं, कहीं ना कहीं से शॉर्ट हैं, या कहीं ना कहीं से इसका तार जो है वो गल गया है या फिर जल गया है, कुछ भी हो सकता है। तो हिट तो पूरा हुआ पड़ा है, तो इसको हम दोबारा डिवाइड कर ही देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले हम ढूंढते हैं, अगर आप ढूंढ लें उस तार को जहाँ से वो जला है, उसको ठीक कर पाए, तो यही मोटर सक्सेस हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा ही रिवाइंड कर दे, क्यों ना ये हिट भी हो रही है और इसके कागज़ वागज भी ख़राब हो गए हैं, तो इसको काट के दोबारा बना ही दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इतना ज़्यादा ध्यान पे देते नहीं हैं मोटरों पे। देखिए, कभी कभी हमारे पास टाइम रहता है तो हम मोटर को अच्छे से देखते हैं कि वो पा ही जाए, कहीं से कोई जोड़, कोई तार टूट गया हो, या कनेक्शन जो है वो, जो भी कुछ है जोड़ है वो ख़राब हो गया हो, जंग आ गया हो, कार्बन आ गया हो, तो उस कंडीशन में हम कर देते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम ढूंढ नहीं पाते हैं, असमर्थ होते हैं ढूंढने में, तो हम इस तरह से इसको काट के, सबसे पहले हथौड़ी से इसे काटिए, ठोकिए, और ठोकने के बाद कटर से काट लीजिए और कॉयल को बाहर निकाल लीजिए, और फिर इसको रिवाइंड कर दीजिए। तो दोबारा से रिवाइंड करना ही पड़ता है। कॉयल गर्म होने के बाद दोस्तों, मान लीजिए आपने कॉयल को पकड़ भी लिया है कि इस कॉयल में प्रॉब्लम है, इस कॉयल के मान लीजिए आपने 4-5 तार कटे देख लिए, तो सोचा कि इस कॉयल को ही बदल दें, तो दोस्तों कॉयल हम नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर नई नई वाइंडिंग है, एल्यूमिनियम है, तो शायद वो बदल जाएगी। अगर उसमें वायरनेस डाल रखा है या कॉपर में वाइंडिंग है, तो अगर हिट हुई वाइंडिंग है तो वो निकालने में उसमें मुश्किल होगी और कॉयल नहीं बदली जाएगी। कंप्लीटली आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, नहीं आप चाहे तो कॉयल को भी, अगर संभव हो तो आप कॉयल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको कम्प्लीटली काट के दोबारा से रिवाइंड करेंगे। तो हमारा अगला पार्ट आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हम पार्ट का लिंक डाल देंगे, उसमें बताएंगे कि मोटर को काटने के बाद इसके स्टेटर में कागज़ जो पेपर है कैसे लगाना है, कितने नंबर लगाना है, कैसे काटने हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों के, और फिर कॉयल इसकी कैसे बनानी है,
तो वो सब कुछ हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो देखिए कटर से तार आराम से काट लीजिए, बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। जो जली हुई वाइंडिंग होती है वो बहुत टाइट कटती है, लेकिन ये जली हुई वाइंडिंग है नहीं, ये शॉर्ट वाइंडिंग आप इसे बोल सकते हो, थोड़ी सी टाइट है पर आराम से कट जाएगी। दोस्तों एल्युमिनियम की कोई वैसे कीमत होती नहीं है, पुराने तार की कॉपर की ही कीमत होती है। एल्युमिनियम का तार बहुत ही सस्ता मिलता है। और एक चीज़ और देखिए, हमने एल्युमिनियम का तार हीट कम होता है, कॉपर हीट ज़्यादा होता है और कॉपर जलता भी ज़्यादा है। हमने तो अब तक देखा है कि कॉपर ही ज़्यादा, कॉपर के ही जितने कूलर पंखे होते हैं जो भी होते हैं वो ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। बड़ी मोटरों में एल्युमिनियम नहीं चलता है, छोटी मोटरों में ही चलता है ये, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर तार होता है। बट ये हीट कम होता है और हीट ये ठंडा हो भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये हीट ज़्यादा टाइम में होता है और ठंडा जल्दी हो जाता है। और कॉपर का ये है कि एक बार गर्म हो गया तो फिर वो गर्म ही रहेगा, घंटे भर तक भी गर्म रहेगा, तो कॉपर का हाल ये है। तो उसमें उसको ज़्यादा चला देते हैं तो ज़्यादा हीटिंग के कारण वो जल जाता है, लेकिन ये जलता नहीं है, ये ठंडा रहता है, इसका ये फ़ायदा है। तो ये सस्ता भी पड़ता है, आप एक कूलर को 50 रुपये, 30, 40 या 50 रुपये तक के खर्चे में आप इसे बांध सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई 50-60 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, 50-60 रुपये में आज आप इसको कंप्लीट रिवाइंड करके इसे फिट करके चला सकते हो अपने घर पे ही। इसमें लगभग 30 रुपये का एल्युमिनियम आपका ये लगेगा, 30 से 40 रुपये तक का, बाकी कागज़ वागज का लगा के 50 रुपये तक, 50 से 60 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, खूब अच्छी रिवाइंडिंग करोगे तो। और अगर कॉपर में करते हो तो आपको काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। तो हमारे पास जिस तरह से आते हैं उस तरह से हम रिवाइंड करते हैं, अगर कोई कॉपर में करवाना चाहे तो कॉपर में कर देते हैं, और एल्युमिनियम की जो होती है उसको एल्युमिनियम में करते हैं, जो कॉपर में आते हैं उनको कॉपर में करते हैं, या एल्युमिनियम से कॉपर में करवाना चाहे तो वो भी करते हैं, या कॉपर से एल्युमिनियम में करवाना चाहे तो वो भी करते हैं। तो हमने इसके सभी कागज को हटा दिए हैं जो कि सब खराब हैं, अगले पार्ट में हम बताएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाए, फिर मिलते हैं।